नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, अब की बार हमारी बारी 2019 सामान्य विज्ञान भाग 5, जो भौतिक विज्ञान से है और चैप्टर का नाम है प्रकाश से। इससे पहले प्रकाश से कुछ क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ भाग 4 में, उसी का ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है इसमें, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या कारण है कि नहीं मिल सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, उस तकनीकी को कहते हैं आवृत्ति माडुलन। अगला क्वेश्चन, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, कैसा बनता है चित्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, इसका आंसर होगा बी, तरंग दैर्ध्य से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किस रंग का है? तो इसका आंसर होगा लाल। अगला क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैंगनी का। अगला क्वेश्चन, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो वह है बैंगनी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, इसका आंसर होगा ए, यानी इसकी तरंगों की दैर्ध्य यानी लंबाई सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, आकाश की नीला रंग इस कारण होता है, किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, काला। अगला क्वेश्चन, कार में पीछे के यातायात के दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन,
वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस प्रकार का दर्पण? दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऊपर उजला नीचे काला, यानी ऊपर का रंग सफ़ेद होना चाहिए और नीचे का रंग जो है काला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये बनेंगे आपके अनंत। अगला क्वेश्चन, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2θ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका तरीका एक ही है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म से गुजारना पड़ेगा प्रकाश को, तो उसे 7 रंग बनेंगे। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, इसमें सही क्रम से यही है, नीला हरा पीला, यानी इससे पहले 4 कलर हैं, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, ये टोटल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो इसमें 3 रंग ये क्रम से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? यानी 7 रंगों में जो है 3 इधर होता है 3 उधर होता है, तो बीच में सबसे कौन सा रंग होता है? तो ये होता है हरा रंग। अगला क्वेश्चन, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह नहीं देख सकते, क्योंकि छाया आपके ठीक ऊपर पड़ेगी, छाया नहीं बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, जब जल में वायु का बुलबुला किस जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? तो वह है अवतल लेंस, यानी जल में जो वायु का बुलबुला होता है एक प्रकार के अवतल लेंस के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, इसका आंसर होगा डी, 1 और अनंत के बीच, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा सी, होगा अनंत, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं दूर दृष्टि के लिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं उत्तल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, आँख में संकेंद्रण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, खोज बत्ती में दर्पण
जो प्रयुक्त होता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा नतोदर दर्पण। अगला क्वेश्चन, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, सामान्य आँखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऊपर वाला क्वेश्चन वही दूसरे रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी आयरिस से। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, कितनी पावर होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, तो वह है दृष्टि पटल, इसी को इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है, यहाँ पर हिंदी में दिया है दृष्टि पटल और इसको रेटिना भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आंसर होगा इसका रेटिना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनाती है। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है कौन सा रंग है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लाल हरा नीला, इसका कोड है आर यानी रेड, फिर जी यानी ग्रीन और बी यानी ब्लू नीला रंग आर जे बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मूल रंग यही है लाल हरा नीला। अगला क्वेश्चन, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी सफेद। अगला क्वेश्चन, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन से हैं, तो नीला हरा लाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, इसमें प्राथमिक रंग नहीं है काला। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितने रंग होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न रंगों में विषम को पहचानें, इसमें से कौन सा रंग जो है विभिन्न है यानी भिन्न है, तो इसमें होगा भूरा रंग जो है भिन्न है, इसके अलावा सब ये रंग है हरा लाल पीला। तो ये थे क्वेश्चन प्रकाश से, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।